इसी के लिए गर्मी की ड्रेस लेकर आई हूँ। दीदी ने बताया बोले इस टाइप से बनाना बहुत टेस्टी बनेगी। कुछ इस तरीके से हो गया है, बहुत टेस्टी लग रहा है। स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुशी शिवाज ब्लॉग्स में। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 और आपकी चीजू खाना खाने आ गए आज बिना बोले। रोज मैं कॉल करती हूँ, आज वो मन से ही आ गए। उसे तो दाल चावल बन गए हैं, रात को तुरंत पूरी का भरा रखा था और आटा भी था तो बना लेते हैं, खा लूंगी फिर मैं जाऊंगी कहीं और। कहाँ जाऊंगी आपको ब्लॉग में बताऊंगी। चलो जल्दी जल्दी से पहले खाना बनाती हूँ। मेरे पति देव के लिए क्या तल रहे, तू खाना बना रहे तेरे लिए बना ले। नाना को दे बेटे। ओ पानी फेंक दिया सोफे पे, मम्मी फेंक दिया। हाँ तो सुसु है भैया, मेरे चप्पल निकाल दो। ले नानी बोल ठंडा मारे, नानी ठंडा डाल दे तो मेरे मुंह में। हाँ दादा कैसे हो, बढ़िया जा ठंडा डालेंगे दे, गरम है जल्दी जा। कचरा गाड़ी वो ऊपर बुआ झाड़ू निकाल रही थी, पोछा लगा रही थी, बुआ पोछने कहीं मार दिया। अगर बुआ बोले कि मेरे को क्यों मारी, वो मैं खड़ी हूँ तो ऐसी बोलती, ज्यादा बोल रही तू रुक, ते कचरा गाड़ी आ रही तेको मैं बताती, तू देख क्या रही है ऐसी बोलती, तू देख क्या रही है रुक जा कचरा गाड़ी आ रही तेको मैं कचरा गाड़ी में डालती। हाओ नकल बोलती क्या, मैं लगे जाती हूँ तो यानू घर ये बोली किचन सेट खेलने, तो लगे कहीं जाने की जरूरत नहीं, बोलती क्या लाओ किचन सेट ला के दो। देवी मेरे घर पे ये लगा के बिंसी की बॉटल तेको भी दी
देखो तेरे पास भी अंदर रखी सारे किसे बाटा, ये प्रिंसी की तेरी भी है बेटा, दबा दो दबा। ओ अब कैसा खुलेगा? वो सिखाया था कि मैंने उसको कहाँ जा रही क्या बोतल ले ली मामी ने। हाँ छोड़ दे, बोले क्यों छोड़? क्यों आई तू नानी घर? तो रो रही थी ना उसे खेलने खेलने, तो कोई ने बुलाया था हमारे? सुबह दाल चावल ही बने सुबह से। साबुदाने खिचड़ी कौन खाएगा? नहीं खाती हूँ। क्या करेगा? क्या बोल रहा था अभी? केतु को बताता हूँ क्या बोल रहा था। हाँ बताता हूँ। दीदी थोड़ी बहुत चलता है किसी के से खबर ले लिया। चिराग लाइट चालू कर दो बेटा, बड़ी चालू करना बेटा, चल रहे थे बस। हे गाइस, तो फिलहाल हम हो गए हैं रेडी, जा रहे हैं मार्केट। इधर फोनसा रानी भी रेडी हो गई है। चलो बेटा उतरो नीचे, प्रिंसी चल, गेट लगाना है कि यहीं रुकना है? चलो मम्मी भी आ रहे हैं, जल्दी बाटल रख लो और झोला रख लो। हाँ चलो हम जाते हैं मार्केट, मेरे को ना सामान लाना है कुछ थोड़ा, तो ले आती हूँ। जा नाना को बोलना नाना चाबी दे दो गाड़ी की, है ना? नहीं मारेंगे, बस प्यार से जाके बोलना। पर जाओ उतर धीरे से, ले आएगी वो, जा पापा पास से ले आएगी ना। पापा उधर है, जा चलो बेटा। A few moments later। कल खिलौने खेल रही मिला, चल बेटा अंदर आ, तो बोलती क्या लाओ किचन सेट ला के दो, हाथ आगे कर दिया उसने। नहीं मिला तेरी डेढ़ टिफिन देना, बोलती क्या नहीं मैं अधिक भैया को टिफिन दूंगी बना के। बेटा वो राक्षस है। लाट इधर आ, इधर आ, इधर आ, ला पहले पैर बचा। काम कर लिए जल्दी, काम हो जाएगा। देखो मम्मी पोज ला, एक बार डबल से, एक बार डबल से कैसी करती लाडो, इधर करती कैसी, एक बार कैसी करती, चल इधर आओ, कमर पे हाथ रख के कैसी करती। हाँ ये प्राची रहता था दो जन। गाइस तो मार्केट गए थे तो प्रिंसी के लिए गर्मी की ड्रेस लेकर आई हूँ, सुंदर। इधर देख लाडो पोज दे तो प्रिंसी लगाते। माधुरी के लिए बुलाई ना दीदी, गेयर नहीं देखते अपन, गेयर नंबर निकाल दिया मैंने, 55 नंबर देख के लाना, 55 सेंटीमीटर है। गाइस तो फिलहाल हम जा रहे हैं अब घर, फ्लाइट लेने आ गए, अच्छा हुआ जल्दी लेने आ गए, नहीं तो उधर रात में 10 बजे छुट्टी होती ना, फिर घर जाओ फिर आलसी आती है। अभी 8 बज रही है, अभी लेने आ गए, अब जाते घर, अब घर जाके बनाऊंगी खाना। और आज ना मैं सोच रहा कि फली बनाऊंगी, वो भी अलग टाइप से, कैसी बनाऊंगी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सोच रहा कि फली कढ़ी में बनाई है और सब्जी में भी बनाते, दाल में बनाते, बट आज मैं कुछ अलग ही बनाऊंगी। चलो घर जाते हैं फिर सुनते।
जना की फल्ली बनाते ड्रम स्टिक। कौन सा आप ले लिए खिलौने? हाँ अपन दूसरे ले आए। ये किचन सेट लेके आए। अब फूफू को समझ में आ गया किचन सेट, छोटी सी कप, छोटी सी प्लेट, छोटा सा गैस। मेरे को देखे जा, तो अभी आधे टाइम दोनों की लड़ाई हुई। इसको चोरी छुपे बाहर निकाला, फिर भी उसने एक कप रख लिया। पिंचो दीदी के पास एक कप किसी के। अब ना इसको मैं वेजिटेबल्स ला दूँगी और फ्रूट्स ला दूँगी कट करने वाले, और पिज्ज़ा और बर्गर इसका जो आता ना पैकेट वो वाला ला दूँगी छोटा टॉयस वाले, तो खेलने में हो जाएगा। मैं सोच बड़े बड़े बर्तन मिले बट नहीं मिले। एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं सुरजना के फली की आपको अच्छी रेसिपी बताऊंगी कैसे बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मेरे को दीदी ने बताया, बोले ऐसे बनाना। पूजा दीदी ने बताया, तो बोले इस टाइप से बनाना, बहुत टेस्टी बनेगी। कल उसने बनाई थी तो मैं भी बना रही हूँ और रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इधर मैंने सुरजना की फली को साफ करके इसके अंदर नमक हल्दी डालकर बॉइल कर रही हूँ, और इधर मैंने थोड़ी सी प्याज कट की है, और आप ये देख सकती है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसमें दो मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें हैं, तीन अदरक, तीन लहसुन की कली है, और एक इतना सा छोटा सा टुकड़ा अदरक का है। तीनों को मैंने कर लिया है। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, कैसा बनता है ये भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये छाछ, बेसन और पानी है। एक कप छाछ लिया है, एक कप पानी लिया है, और चार चम्मच अपना जो पोहे खाते वाला जो नॉर्मल चम्मच आता है वो चम्मच से बेसन लिया है। तो चलो अब मैं फटाफट से बनाती हूँ। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, कैसी बनती पता नहीं। सुरजना की फली मेरी बॉयल हो चुकी है, इसका गैस कर देती हूँ मैं बंद। अब करेंगे इधर तड़के की तैयारी। तो छोटी सी कटोरी में सारे जो भी मसाले होते हैं, मिर्च मसाला, ये तो एक चम्मच में लाल मिर्च लूँगी, एक डेढ़ चम्मच में लाल मिर्च लूँगी, एक चम्मच धनिया पाउडर लूँगी, थोड़ी सी हल्दी लूँगी और थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच नमक। आपको कटोरियों में सब सामान दिख रहा है, मेरा मिर्च मसाले का डब्बा मैंने वॉश कर दिया। क्या बनती पता नहीं, दीदी ने कल बनाई और बोले कि ऐसे बनाना टेस्टी लगेगी, तो वैसे ही बन रही है। देखेंगे क्या होता है। हे गाइस, तो बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया है, पर ये इस टाइप से है, बट ये थोड़ा मैंने ठीक रखा है, देखो उस टाइप से ठीक है ये। अब इसको टेस्ट करते हैं कैसा लगता है। फर्स्ट टाइम बनाया है, पूजा दीदी ने बोला तो मैं हमेशा कढ़ी में बनाती हूँ, सब्जी में भी एक ही बार बनाती हूँ। देखते हैं कैसा लगता है। थोड़ी सी मैंने इसमें ना एक चम्मच शक्कर भी डाली है। चलो टेस्ट करते हैं। टेस्ट में सुरजना की फली का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि उसका बॉईल किया हुआ पानी डाला था। हल्का सा स्वीट टेस्ट आ रहा है, मीठा मीठा, और बेसन का आ रहा है, हल्का सा बेसन का आ रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि ना बेसन खा रहे हैं ना कड़ी खा रहे हैं। सुरजना की फली का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, बहुत टेस्टी लग रही है। अगर आप इसको थोड़ा पतला बनाओगे ना तो ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। मैंने थोड़ा थिक बनाया है क्योंकि मैं इसको पीऊँगी, किसी के साथ खाऊँगी नहीं, सिर्फ इसको पीने के लिए बनाया मैंने। अच्छी लग रही है।